ये बताइए कि ईमान पर खात्मा कैसे हो? अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे, वो बस वो फिक्र होनी चाहिए। जो ये कहता है ना कि ईमान पर खात्मा कैसे हो, इस बात का ये यानी कि गम्माज है, इससे जाहिर हो रहा है कि इनको ईमान की फिक्र है, और ये ईमान बुरे खात्मे से बचाने की एक सूरत है ये भी कि फिक्र हो। क्योंकि सरकार आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं कि जिसको ज़िंदगी में ईमान ज़ाया होने का खौफ नहीं होगा, मरते वक्त उसका ईमान निकाल लिया जाएगा। ये यानी ये ख़तरा है कि मरते वक्त उसका ईमान छिन जाए, निकाल लिया जाए। तो ईमान की फिक्र होनी चाहिए। अब दौलत तो कितनी फिक्र होती है, उसमें रखेंगे, बैंक में रखेंगे, तो फिर अगर और ज़्यादा है तो लॉकर में रखेंगे, वगैरह वगैरह। तो ईमान के लिए इसके साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उलझा पड़ा है, इससे मुनाजरे करता फिर रहा है, इससे बहसें कर रहा है, आता जाता है नहीं कोई, तो इस तरह फिर ये कि फिर खतरा ही खतरा है।